पाकिस्तान में आ गई है मीना तारेख जो आपकी फेवरेट है एक गुरु है आ, बिजनेस और ऑनटरप्रनशिप की और इनको फॉलो करके आप में से बहुत से लोग अपने बिजनेस को रिफ्रेश भी कर रहे हैं री भी कर रहे हैं और खाते और खर्चे और इन सब चीज़ों लेकिन खास तौर पे आजकल पिछले दो साल से मीना का अपना फोकस भी शिफ्ट हुआ हुआ है स्टार्टअप्स के ऊपर ऑनलाइन डिजिटल दुनिया का बिजनेस कैसे किया जाए और बहुत ही पॉपुलर इनका सेगमेंट है लेकिन आज इस सेगमेंट में कुछ चीजें हैं जो कि मीना कह रही है कि

टिकटॉक you know, पे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें से किसी एक पे आप उसका अकाउंट बनाते हो और आप कहते हो जी मैंने अपने बिजनेस का पेज बना लिया आप इसको पेज बनाना हम कहते हैं ना है। तो जी वो पेज बना लिया और आप समझते हो कि आपने ऑनलाइन अपनी दुकान सेट कर ली है और अब वो चलना शुरू हो जाएगी मगर इसमें बहुत सारी बेसिक गलतियाँ हैं जो हम कर रहे होते हैं और आ, इसमें जरूरी कि दुकान हो

Uh, देखिए प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं और होता ही है कि जब हम शुरू होते हैं ना तो हम थोड़े से ओवरवेलम होने लगते हैं कंफ्यूज होने लगते हैं कि किस किस प्लेटफॉर्म पे हमें होने की ज़रूरत है हमारी आइडेंटिटी कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे हो तो हमने ये कैसे डिसाइड करना है इसका एक बड़ा बेसिक सा जो है वो फार्मूला वो, वो ये है कि आप ये देखें कि आपका जो कस्टमर है वो कौन से प्लेटफॉर्म पर है अच्छा। और आप अपने लिए एक दो मैक्सिमम तीन प्लेटफॉर्म्स डिसाइड कर लें कि इनके ऊपर मेरे बिजनेस की दुकान होगी या मेरे बिजनेस का शॉप फ्रंट होगा अगर मेरा कस्टमर यंग है मेरा कस्टमर जिसको हम जेन जी कहते हैं यानी कि इस वक्त वो 25 साल से कम उम्र के लोग हैं मेरा जो मेजॉरिटी कस्टमर है वो इस वक्त यंग लोग हैं 18, 19, 20 साल के लोग हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे होने की ज़रूरत है और मुझे टिकटॉक पे होने की ज़रूरत है ख़ास तौर पे क्योंकि जो यंग लोग हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा हैं अगर मेरा कस्टमर ओल्डर है यानी कि हो सकता है पैंतालीस पचास साल से ऊपर का है तो मुझे ज़्यादा फेसबुक पे होने की ज़रूरत है क्योंकि वो कस्टमर इस वक्त फेसबुक पे है अगर आपका कस्टमर ओल्डर है तो आपको टिकटॉक पे होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओल्डर कस्टमर इस वक्त टिकट पे इतना ज़्यादा एक्टिव है ही नहीं, नहीं राइट अगर आपका कस्टमर मैसेज में यानी कि एक जो आवाम है जनरल उसके अंदर है तो इस वक्त हमारा मैस खास तौर पे पाकिस्तान में टिकटॉक पर मौजूद है तो आपको टिकटॉक पर होना जरूरी है तो आप अपने प्लेटफॉर्म की जो डिसीजन है ना वो इस बेसिस पे करते हैं कि आपका पर्टिकुलर टारगेट सेगमेंट आपका जो कस्टमर है वो कहते हैं ना आपको अगर आपने कुंडा डाल के बैठना है मछली पकड़ने के लिए तो पहले कोशिश करें ऐसा तालाब चूज करें जिसमें मछली है मचली हर पानी का वो आप बाल्टी में कुंडा डाल के बैठ जाएंगे तो मछली नहीं पकड़ी जाएगी ठीक है तो आपने ऐसी जगह चूज़ करनी है जहाँ पर मछली इवन रिवर में

ये मेरा प्यारा सा एक बेटा है तो मैं चाहता हूँ खुदा आप अपने बेटे की तस्वीर मछली की दुकान के ऊपर ना लगाएस okay. आपके बेटे की तस्वीर आपके लोगों का पार्ट है समाहौ okay. और यहाँ पे आप हम आते हैं रूल नंबर टू पे राइट एक हमने डिसाइड कर लिया कि हमने अपनी दुकान बनानी कहाँ पे है कौन से प्लेटफॉर्म पे बनानी है और हम वो कम प्लेटफॉर्म डिसाइड करते हैं ताकि हम उनपे अच्छी एक्टिविटी कर सकें अब नंबर टू रूल नंबर टू कि वो जो आपकी दुकान है वो लगनी कैसे चाहिए मतलब मैं दुकान का वर्ड भी इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि लोग ना इमेजिन कर सके उसको अगर आप फिजिकली दुकान बना रहे होते तो आप यही बातें सोच रहे होते ना पे बनाएं? उसकी तस्वीर कैसी लाइक like, उसकी शक्ल कैसी हो उसका, बोर्ड है बोर्ड कैसे हो उसके अंदर पेंट किस कलर का हुआ हो बिल्कुल इसी तरह ऑनलाइन वो किस जगह पे हो एग्जैक्टली तो हमने ऑनलाइन भी इसको अपनी दुकान की तरह ही सोचना है तो जैसे आपने बिलबोर्ड का पूछा आपका जो प्रोफाइल पिक्चर होती है वो

आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक लोगो बनवाएं बेशक बेसिक लोगो हो मगर वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है आपके ब्रांड का अच्छा अब आप तस्वीरें जो पोस्ट कर रहे हैं उसमें भी आपने ऐसी तस्वीरें नहीं लगानी मैंने बहुत सारे बिजनेसेस को देखा है आ, वो बिजनेस ओनर जो है वो ट्रैवल कर गया वो उम्रे पे चला गया माशाल्लाह से उसने वहाँ की तस्वीरें लगानी बिजनेस के पेज पे लगानी शुरू कर दी हाँ। वो आ, कहीं गए नारायण चले गए कागान चले गए उन्होंने पहाड़ों की तस्वीरें लगानी शुरू कर दी ईद हाँ। है उनके बच्चे बड़े प्यारे लग रहे हैं उन्होंने बच्चों की तस्वीरें लगानी शुरू कर दी अब अगर वो पेज बिजनेस का है आपने अपने बिजनेस को और अपनी पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करना आपने उनको सेपरेटेड रखना है बिजनेस आप नहीं है और आप बिजनेस नहीं है ठीक है आपने उन दोनों को सेपरेट रखना है और बिजनेस के ऊपर सिर्फ रेलिवेंट चीजें और ये क्यों जरूरी है क्योंकि जो फॉलो कर रहा है ना वो बिज़नेस की वजह से फॉलो कर रहा है मुझे आपके पकोड़े पसंद है या फ्राई मछली पसंद है मैं उसकी वजह से उस पेज को फॉलो कर रही हूँ मैं आपके बच्चों की तस्वीरें नहीं देखता मैं अनफॉलो कर दूंगी बिल्कुल अगर आपने रेलिवेंट चीज़ें ऐसे बहुत ज़्यादा होता है अगर एक बिजनेस नॉन बिजनेस चीज़ें या अन चीज़ें लगाएगा तो लोग उसको अनफॉलो कर देंगे तो देखिए हमारा एक पर्पस है उस प्लेटफॉर्म पे होने का हमारा पर्पस ये है कि लोग हमारी दुकान में आए हमारी दुकान को पसंद करें और Shopping हमारी करें? दुकान से खरीद कर जाए बिल्कुल ठीक है अगर हम उनको आने ही नहीं दे रहे हम ऐसी चीजें बार बार दुकान में लगाए जा रहे हैं जिससे लोग पुट ऑफ हो रहे हैं तो फिर वो नहीं आए शॉपिंग नहीं हो अच्छा अब इसमें इसी में एक और रूल है जो कि है इंगेजमेंट या पोस्टिंग के बारे में कि आपने पोस्ट कितनी दफा करनी है और कुछ टाइमिंग्स का भी होता है बिल्कुल ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है अच्छा एक तो ये अगर आप दिन में आठ तस्वीरें लगा रहे हैं ना बेशक वो फ्राई मछली की लगा रहे हैं तो भी आपका कस्टमर पुट ऑफ होना शुरू हो जाएगा अब एक बंदा दिन में कितनी मछली की तस्वीरें देखे आप हफ्ते में तीन दफा मछली की तस्वीरें लगा दें ये बहुत है अच्छा। चौथी दफा आप अपने मेन्यू की तस्वीर लगा दें आप हैप्पी कस्टमर्स के रिव्यूज लगा दें आप बहुत सारी और चीजें लगा सकते हैं जिनसे आप एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं मगर अगर आप एक ही टाइप की चीज बार बार लगाएंगे और आप वो बहुत ज्यादा पोस्ट करेंगे दिन में एक टाइम पर तो लोग उससे ये ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ बहुत सारे लोग बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ये करते हैं कि वो रेगुलर पोस्ट नहीं करते यानी रेगुलर पोस्टिंग हम ये कहते हैं कि आप हफ्ते में पांच पोस्ट करें ठीक है अच्छा। दिन की एक पोस्ट करें पांच दिन में आप थीक थीक पांच पोस्ट लगाएं ठीक है ये करने की जगह लोग क्या करते हैं वो तस्वीरें जमा होने देते हैं और फिर ना दो तीन हफ्ते बाद एक दिन वो रात को ऐसे टांगे लंबी करके बेड पे बैठे होते हैं और वो सारी की सारी लगानी शुरू कर देते हैं एक गो में राइट अब इससे दो चीजें हो रही हैं एक तो लोग तंग हो रहे हैं क्योंकि उनकी फीड पे एकदम से अठारह एक तस्वीरें आपके कपड़ों की आपकी बिरयानी की आपकी मछली की आ रही है राइट बिल्कुल सही दूसरा ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके एक एल्गोरिदम होते हैं यानी कि एक तरीका होता है जिससे बैक एंड पे वो चल रहे होते हैं ये चलते हैं रेगुलर पोस्टिंग पे जब आपका पेज रेगुलर पोस्ट करता है ना तो जो वो प्लेटफॉर्म है वो आपकी दुकान मजीद लोगों को दिखाता है आपकी पोस्ट लोगों तक पहुंचने देता है ठीक है जब आप बैठ के अठारह पोस्टें एक दिन में करते हैं तो वो प्लेटफॉर्म खुद ही रोक देते हैं so आप आपकी आपकी कह रहे हो कि अगर मैं हफ्ते बाद अठारह से पंद्रह जो पिक्चर्स हैं वो पोस्ट करूंगी तो जरूरी नहीं है कि वो हर एक की फीड पर आएगा आएंगी ही नहीं वो प्ला, वो प्लेटफॉर्म खुद ही आपको ब्लॉक कर देगा क्योंकि वो ये देख रहा है कि आप एक इनएक्टिव यूजर हो यानी कि आप मुसलसल एक कंसिस्टेंसी से चीजें नहीं लगा रहे और उल्टा आप स्पैम कर रहे हो यानी कि आप कोई फजूल चीज बहुत ज्यादा दफा लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे और ये फेसबुक पे भी ये रूल लागू है इंस्टाग्राम हर एक बिल्कुल सब प्लेटफॉर्म देखिए मतलब अगेन एक तो खुद कस्टमर भी तंग होकर जा रहा है अगर उसको नजर आ भी जाए दूसरा वो प्लेटफॉर्म वैसे ही नहीं आपको दिखाएगा तो आपने थोड़ी सी मेहनत इस पे करनी है कि आपने अपना एक पोस्टिंग टाइम डिसाइड करना है अच्छा वो पोस्टिंग टाइम कैसे डिसाइड होता है ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके अंदर अगर आप एक बटन होता है उसका नाम होता है इनसाइट्स आप उस पर जाए तो वो आपको खुद ही दिखा देता है कि आपके बिजनेस में जो बेहतरीन टाइम है वो ये वाला है यानी कि अगर आप इस टाइम लगाएं तो आपके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स ऑनलाइन दोपहर को हैं। तीन से शाम बजे तक ज्यादा होते होते हैं हैं ये। आमतौर पर सुबह से बिल्कुल सो ज्यादातर बिजनेसेस के लिए तकरीबन पांच बजे से लेके रात को आठ बजे तक का जो पोस्टिंग टाइम है ना वो अच्छा पोस्टिंग टाइम है पांच छह बजे के करीब आप कोई चीज पोस्ट करें क्योंकि तब जब आप कोई चीज पोस्ट करेंगे तो लोग जो दफ्तर से घर जा रहे हैं या स्कूल से घर आ रहे हैं या सुकून से बैठ रहे हैं ना सात आठ बजे के करीब उस टाइम जब वो फोन उठा रहे हैं तो आपने जो चीज़ छः बजे लगाई है वो उस वक्त उनकी, उनकी नजर आएगी हाँ। अगर आपने कोई चीज़ सुबह दस बजे लगा दी तो जो रात को आठ बजे ज्यादातर लोग बैठेंगे तो उस वक्त उनकी फीड पे वो चीज़ नहीं, नहीं। नजर आ रही होगी अच्छा बीना मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर हम कोई पोस्ट लगाते हैं अगेन हमारा आ, बड़ा अच्छा मछली अगेन मछली की दुकान है हमारी ऑनलाइन आपको मछली खाने को दिल चाह रहा है तो सीख हाँ, महसूस हो रहा है मुझे मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से सितंबर अक्टूबर <laughs> आए मछली वाला सीजन शुरू हो तो उसके अंदर मैंने मोमेंट ये देखा है कि वो अगर कोई पोस्ट लगाते भी हैं तो बस वो लगा के फारग हो गए उसके नीचे जो कॉमेंट्स आ रहे होते हैं उनमें कई दफा लोग सवाल कर रहे होते हैं Okay yeah. how can I order mm. Okay where is your shop mm. uh, do you deliver in Lahore mm. or not mm. Mm. is this facility only for Hyderabad mm. or do, do you have a branch in Karachi mm. बिल्कुल। मेरा है कि उन को पढ़ना और, और नेक्स्ट रूल है वो रेगुलरली करनी है हमने वो बहुत बहुत दिन छोड़ के नहीं करनी अगर एक दिन आपने अठारह सेल कर भी ली और आपके पास अठारह केक्स की तस्वीरें हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आप आज ही लगाएं वो आप अगले अठारह दिन एक एक करके लगाएं वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है अब जब पोस्ट कर दी तो फिर क्या करना है पोस्ट करने के जो अगले पंद्रह से बीस मिनट होते हैं उस टाइम पर आपको कोई भी कमेंट आता है आपने उसका जवाब हर सूरत देना है अच्छा बीस मिनट चले तीस मिनट आप इसको टॉप मैक्स कर ले राइट पोस्ट करने के बाद वाले जो पंद्रह बीस तीस मिनट हैं उनमें जब कोई भी कमेंट करता है जब आप उसका देते हैं, आप बढ़ाते हैं, तो आपकी पोस्ट की होने के चासेजम हो अच्छा। देखता है किसी ने कॉमेंट किया और आप भी एक्टिव है आप जवाब दे रहे हैं सो अगले so, पंद्रह मिनट बहुत सारे लोग तो खुद अपने दोस्तों को कहते हैं पोस्ट करने लगाऊ इसके नीचे कोई कॉमेंट पहले पंद्रह मिनट के अंदर कोई कॉमेंट्स कर देखिए बिल्कुल बिल्कुल वो जब आप कमेंट्स आते हैं आप उसका जवाब देते हैं आप कोशिश ये करनी है आपने कि आप उन कमेंट्स में ऐसे जवाब दें जिनसे कॉन्वर्सेशन चले सो so आपने पूछा आप डिलीवरी लाहौर में अवेलेबल है आप कहीं जी डिलीवरी अवेलेबल है आप किस चीज में इंटरेस्टेड है वो बंदा शायद जवाब दे दे किस हाँ। चीज हाँ। में इंटरेस्टेड है अब इसे कि एक कॉमेंट होता वो तीन हो गए एक से और जब वो जवाब दे फिर आप एक और जवाब देंगे उसका और बहुत दफा आप देखो आपने जैसे आपने कहा कि बात से आपने जवाब ही ऐसा देना है बिल्कुल बहुत सारे लोग ये नीचे लिख देते हैं कि आप हमें डीएम कर दें अच्छा अब so ये, भी ये, हो गया ये ना? बहुत ये मुझे तो खुद पर्सनली बहुत इरिटेट करती है क्योंकि ये तो आपकी इंगेजमेंट डिक्रीज कर रही है, ना? है लोग वो एक हम प्राइसिंग पे जब बात करेंगे न, लोग है ना लोगाइड करते हैं चीज बहुत पॉपुलर हो रही है तो पहले सोचा था हजार रुपए की बेचेंगे दो हजार में लिख दें तो वो फंस जाते हैं मगर कॉमेंट्स में एंगेजमेंट बढ़ाना एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज है मैंने रिसेंटली लर्न किया कि बहुत सारे इंटरनेशनल जिनको को हम कहते 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 हैं या bloggers हुँ, कहते हुँ। हैं हैं या वो वो अपने ही different से जा के, अपने आ, अपनी के नीचे, अपने ही से के अपनी नीचे आप बुरा भला क्योंकि फिर और लोग भी उनको easily, मतलब वो एक conversation बढ़ जाती है कुछ लोग उनको डिफेंड करने आ जाते हैं कि नहीं जी ये तो ठीक है ओ, ये तब इंसान नहीं है, <laughs> है। <laughs> कुछ लोग उनको साथ मिलकर बुरा भला कहने जाता है बट <laughs> सोचे लोग इस हद तक एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए या, अपनी बुराइयां भी करते हैं लोग ओपनली इस तरह की बातें कर देते हैं और ताकि बढ़े वो कॉन्वर्सेशन लंबी हो और ज्यादा ज्यादा हो अच्छा मीना जिस तरह ये कहा जाता है ना कि इंस्टाग्राम या डिफरेंट हम उनके जो, जो हैश टैग होते हैं कई लोग कहते हैं कि हैश टैग बहुत जरूरी है कि इससे भी आपकी पोस्ट बहुत ज्यादा जो है आगे वायरल हो जाती है बिल्कुल ठीक है ये बिल्कुल ठीक है पर हैश को भी अगेन ना यूज करने का तरीका आपको आना चाहिए और उसको सीखना चाहिए वो बहुत सारे लोग उसको हैश टैग कर करके कर 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 उसमें सिर्फ फैसलाबाद जो है ना वो यूजफुल हैश टैग है जिससे कोई शायद आप पे आ जाए क्योंकि कोई कोई हैश फैसलाबाद सर्च करेगा तो आपकी इमेज उनको नजर आ जाएगी मगर वो जो बाकी पांच आपने लगाए ना वो यूजलेस हो जाएंगे तो हैश का हैश ऐसे है कि जैसे आप ना एक स्टिकर लगा रहे हो अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि ये ये वाला देखने की जरूरत है अगर आपको फैसलाबाद में इंटरेस्ट है तो आपके आगे चार डब्बे पड़े हैं जिनके अंदर नजर नहीं आ रहा क्या है एक के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है फैसलाबाद का तो जाहिर है अगर किसी को फैसलाबाद चाहिए तो वो फिर फैसलाबाद स्टिकर वाले डब्बा खोलेगा राइट हैश टैग बिल्कुल ऐसे ही आप एक स्टिकर सोच लें जो आप अपनी पोस्ट के ऊपर लगा रहे होते हैं कि किसी को भी अगर इस चीज में इंटरेस्ट है कोई सर्च करे कोई ढूंढे किसी को कोई एड नजर आए कोई वहां से दूसरी से तीसरी पर जाए उसको आपकी चीज नजर आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि करेक्ट लगा हुआ है uh, और लोग भी करते हैं। अगर कोई करेगा, तो हैश्स तो so, भी अगेन एक ऐसी चीज है जो लोग बहुत इनकरेक्टली यूज करते हैं क्योंकि वो उनको लग रहा होता है कि वो कोई भी चीज और उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि वो लगाना क्यों है अच्छा मीना वक्त इतना आपकी तरफ से hmm. यही, जो, जो अभी आज हमने बातें की के राउंड अगर मैं बात करूं देखे ऑनलाइन प्रेजेंस होना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है और आगे ओवर टाइम और ज्यादा जरूरी होता जाएगा इंटरनेट पेनिट्रेशन hmm. हमारे मुल्क में यानी कि इंटरनेट का यूजेज बढ़ता जा रहा है uh, इस वक्त हमारी पॉपुलेशन सिक्सटी परसेंट अंडर द थर्टी है राइट right? तो वो जो बच्चे हैं और जो यंग लोग हैं वही आगे हर किसी का कस्टमर वही है yeah. यानी आप कुछ भी शुरू करें अगर सिक्सटी परसेंट तादाद जो कमरे में लोग हैं वो एक सर्टन डेमोग्राफिक से बिलोंग करते हैं तो हर किसी का मेजॉरिटी कस्टमर सेगमेंट वही बनता है yeah. और वो जो सेगमेंट है वो ऑनलाइन मौजूद है वो ऑनलाइन एक्टिव है और वो हर चीज ऑनलाइन वैलिडेट करता है पहले यानी वो पहले गूगल करते हैं फिर किसी और की बात सुनते हैं राइट वो किसी भी चीज को फेस वैल्यू पे मान नहीं लेते मैं अगर ये भी कहूं ना कि आसमान ब्लू है तो शायद वो पहले गूगल करेंगे कि आसमान क्या वाकई ब्लू है वो वैलिडेट करेंगे तो अगर आप ऑनलाइन मौजूद नहीं है अगर आपके बिजनेस की एक अच्छी आइडेंटिटी ऑनलाइन मौजूद नहीं है तो आप मिस आउट करेंगे तो, तो इसका ख्याल रखना बड़ा जरूरी आप है आपको इसका ख्याल रखने की जरूरत है देखिए इस वक्त ओवर बहुत सारे लोग होते हैं वो ऑनलाइन इतने कंफर्टेबल नहीं होते तो वो ओवरवेलम हो जाते हैं जब ये बातें सुनते हैं ना हाँ, ऐसे करना है वैसे करना है ये लगाना है ये नहीं बिल्कुल बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है मगर देखिए आपने छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं आप छोटी छोटी चीजें अपनी ठीक करें फिक्स करें वो पोस्ट अठारह इकट्ठी के ना लगाएं एक एक करके लगाना शुरू करें हफ्ते में तीन पोस्टें करें इसलिए मैंने सबसे पहली बात की थी कि हर प्लेटफॉर्म पर अभी एक नया प्लेटफॉर्म आया था थ्रेड्स हर किसी को लगा हाँ। जी अब उस उसपे भी होना पड़ेगा हाँ। और लोग ओवरवेल मो रहे थे कि यार अब नहीं जरूरी नहीं है अगर आपकी मछली थ्रेड्स पे नहीं है तो आप कुंडा थ्रेड्स पे ना डालें जो आपके लिए काम कर रहा है जो प्लेटफॉर्म आपके लिए करेक्ट है आप उसी पे एक अच्छी विजिबिलिटी वाला अच्छी <coughs> विजिबिलिटी वाला यू नो अच्छी एंगेजमेंट वाला स्टोर फ्रेंड बनाने की कोशिश करें जो आपको अगले पांच दस पंद्रह साल में वाकई कमा के देगा ये पक्की बात है क्योंकि कमाई आिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन मूव होगी होगी मीना मीना थैंक यू वेरी मच हर बार बहुत कुछ नया मीना से मुझे तौर पे भी सीखने thank को मिलता है जीती रहो खुश रहो और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है स्क्रीन पे आवेजा भी है इस पे मीना तारिक से अपने ऑनलाइन और डिजिटल बिजनेस के हवाले से कोई आपके जहन में सवाल हो तो हमसे जरूर कीजिए आने वाले हफ्ते में या उससे अगले हफ्ते में जब भी मीना आएंगी नेक्स्ट टाइम Uh, मेरा ख्याल एक पूरा सेशन रखते हैं क्योंकि बहुत सारे आमना मुझे बता रही थी पहले भी बहुत सारे सवाल आए तो अगली बार मीना जब आएंगी तो हम सिर्फ सवाल और उनके जवाब जबरदस्त दस पंद्रह सवाल होंगे और आपको एक एक, एक मिनट में उनका जवाब बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बहुत मजा आएगा मजा आएगा थैंक यू वेरी मच जी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक